अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, हमने फर्स्ट ईयर की सीरीज को स्टार्ट किया था। आज हम ऐसे यूनिट्स के, जैसे हम बेस पॉइंट, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट, हम इसको स्टडी करते थे। और आज हमने एक और यूनिट को स्टडी करना है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा जी, हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो था फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके अंदर हमने बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स नाइन्थ के अंदर भी डिस्कस किए थे और फर्स्ट ईयर के अंदर भी डिस्कस कर लिए। अब हम लोग स्टडी जो करना है वो हमने करना है जी सप्लीमेंट्री यूनिट्स के। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं क्या, जरा इसे गौर से देखें। सप्लीमेंट्री यूनिट्स एक जेन में आता है कि यार सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स की डेफिनेशन है, सच यूनिट्स विच आर नीदर बेस यूनिट्स नॉर ड्राइव यूनिट्स। ना तो ये बेस यूनिट्स है ना ये ड्राइव यूनिट्स है, ठीक है? ऐसे यूनिट्स है, ना तो ये बेस है ना ये ड्राइव। ये यूनिट कौन से हैं? इनके दो यूनिट्स आगे चलते हैं, एक ये है प्लेन एंगल यूनिट और एक है जी सॉलिड एंगल यूनिट, यानी कि स्टी रेडियन और रेडियन। सबसे पहले हम रेडियन को डिस्कस करते हैं और रेडियन से आगे आप लोगों का स्टी रेडियन खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगा। देखें आज जरा, प्लेन एंगल एक ऐसा एंगल बिटवीन टू रेडियाई, रेडियस की जमा क्या होगी? रेडियाई। एक ये यहां से यहां तक एक रेडियस, यहां से यहां तक दूसरा रेडियस। तो ऑन टू रेडियाई विच कट ऑफ ऑन सर्कमफेरेंस, ये उसकी सर्कमफेरेंस है, पूरे सर्कल की जो बाउंड्री है, पूरे सर्कल की जो बाउंड्री है उसको क्या कहा जाता है? सर्कमफेरेंस कहा जाता है। एन आर्क इक्वल इन लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल, जहां से आप लोगों ने समझना है कि ये क्या है, ये वाली लाइन। देखें वो कहता है जी टू रेडियाई पूरे सर्कल के ऊपर अगर हम बना दें, पूरे सर्कल के ऊपर अगर हम बना दें टू रेडियाई, उसका अगर हम सर्कमफेरेंस का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये जो है इसको आर्क बोला जाता है। एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल, के इसकी जो रेडियस, इसकी जो लेंथ होगी ना, ये इन दोनों रेडियस के आर्क के बराबर होगी। तो यही तो मैंने लिखा है, प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई विच कट ऑफ ऑन सर्कमफेरेंस एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल। बात समझ आ गई? इसको हम शो किसे करते हैं? थीटा से। इसको शो किसे करते हैं? थीटा से। और ये पूरा सर्कल है, 2D है, तो इस 2D को अगर हम देखें तो ये किसके बराबर होता है? 2πr। ऐसे ही है ना, ये तो 2πr के बराबर है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किसके ऊपर? इस रेडियस के ऊपर। उसने यही कहा ना लेंथ ऑफ द रेडियस, तो इस रेडियस के ऊपर मैं बराबर कर दूं तो हमारे पास थीटा किसके बराबर आ जाएगा? आर आर से कैंसिल, 2π के बराबर आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा? रेडियन आ जाएगा। इसको हम आर आर ए डी से भी शो करते हैं, आर ए डी, ठीक है जी, रिप्रेजेंटेड आर ए डी। क्लियर होगी बात? अब आ जाइए स्टी रेडियन के ऊपर। स्टी रेडियन क्या है? सॉलिड एंगल। यहां से क्या पता लग गया कि ये 3D है। सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो अगर सॉलिड है तो फिर सर्कल तो होगा नहीं, फिर स्फीयर होगा। ऐसा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, किस स्फीयर के सेंटर के ऊपर है? बाय एन एरिया, जिसने कोई एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू द स्फीयर ऑफ द रेडियस, तो किसके बराबर है? कि एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस के बराबर है। तो यहां पे हमने क्या किया, एक आर और एक आर दोनों आर आर स्क्वायर के बराबर है, किसके? इस आर्क के। जैसे हम एक बॉल अगर काट देना तो उसका जो एरिया निकलेगा अगर वो हम उसको काउंट करें तो वो इसके बराबर होगा। देखिए अब इसको किसे शो करते हैं? इसको हम शो करते हैं जी ओहम से। इसको किसे शो करते हैं? ओहम से शो करते हैं। अगर अब हम इसको फार्मूला निकालना चाहें तो ये क्या हो गया, ये एक इस तरह एंगल हो जाएगा। देखिए एक तो ये सर्कल और दूसरा ये वाला सर्कल, याद रखने के लिए कर देते हैं। तो हम इसको क्या कह देंगे? 4πr का स्क्वेयर। वो ऐसे ही है, इसके अंदर क्या है? रेडियस, स्क्वेयर ऑफ द रेडियस स्फीयर, दस रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये किसके बराबर हो गया? सरफेस के एक स्क्वेयर, ये रेडियस ये और एक रेडियस ये आर स्क्वेयर, ठीक हो गया जी। इसको आर स्क्वेयर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आर स्क्वेयर से गया तो हमारे पास ओहम क्या आ गया? 4πst रेडियन। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 4πst रेडियन के बराबर आ गया। इसको हम एस आर से शो कर देते हैं। बात समझ आ गई कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? अच्छा जी, आज का लेक्चर यहां तक ही था।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर कि आज हम लोगों ने स्टडी किया बेस क्वांटिटीज, बेस यूनिट, फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे यूनिट को हमने ओवरव्यू किया जो हमने 9th के अंदर पढ़ा था। और कल हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कन्वेंशन ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।